नमस्कार डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के महासचिव और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने थोड़ी राहत दी है। मामला उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने फर्जी जन्म तिथि के मामले में चल रहे आपराधिक मुकदमे में आजम परिवार को आंशिक राहत दी है। कोर्ट ने अभियोजन के गवाह को बुलाने की अर्जी तय करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि फेयर ट्रायल अभियुक्त का मूल अधिकार है, इससे इनकार करना अभियुक्त व दोनों के साथ अन्याय है। हालांकि कोर्ट ने आजम की कई मांगे मानने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि विशेष अदालत मेरिट पर याचिका की अर्जी तय करे। आजम खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है। दरअसल सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम की ओर से कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में स्पेशल कोर्ट MP MLA रामपुर में अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म तिथि को लेकर चल रहे मुकदमे में बचाव पक्ष को उचित अवसर नहीं दिए जाने का आरोप लगाया है।